चुनाव को लेकर बैठक करने बरेली पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश पर सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया है। पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वे का काम जारी है। माननीय न्यायालय ने 3 महीने का आदेश दिया है। जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी वैसे ही सरकार चुनाव कराने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, कहा कि सपा का इतिहास रहा है, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। वहीं रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से खफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस मामले में बयान देना चाहिए कि यह उनका विचार है या उनकी पार्टी का विचार है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 सीटें शिक्षक की हैं, प्रयागराज झांसी शिक्षक क्षेत्र, कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र दोनों सीटें चुनाव है, और गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे करके 5 सीटों पर चुनाव है।